गाइस हेलमेट वगैरह लगा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ गाइस मैं। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो गाइस अभी का मौसम काफ़ी ठंडा और काफ़ी मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आप देख सकते हैं मौसम की क्या कंडीशन है, बिल्कुल कालाकट मौसम हो रहा है और मुझे आज जाना है गाँव। तभी तो मैं सोच रहा हूँ कि किस प्रकार से गाँव जाया जाए क्योंकि मौसम तो आप देख ही रहे हो कितना खतरनाक हो रहा है। फिर भी देखते हैं गाइस क्या रहता है, अभी तो चलते हैं नाश्ता करने। तो गाइस फाइनली बरसात बंद हो चुकी है और मैं निकल चुका हूँ गांव के लिए। जैसे कि अभी टाइम हो रहा है गाइस 1 बजे, गांव के लिए निकल चुका हूँ गाइस। यहाँ से मुझे 110 किलोमीटर की दूरी तय करनी है एक्टिवा 5G से गाइस। तो आई होप मैं सही सलामत और अच्छे से अपना सफ़र पूरा कर पाऊँ गाइस। और जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, मैंने कुछ इस प्रकार को यहाँ पर लटका रखा है। यहाँ पर जैसे ये यहाँ पर 2 छेद थे तो मैंने इसके अंदर बीच में फंसा के इसको ऐसा लगेज टाइप बना लिया अभी तो। और मैं तो गाइस अपने पानी वानी पी के सीधा निकलते हैं यहाँ से क्योंकि बरसात जैसा मौसम हो चुका है आपस से, तो अपन टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करेंगे क्योंकि बरसात कहीं भी आ सकती है। और मैं आज अकेला ही सफ़र कर रहा हूँ गाइस, तो आज मैं अकेला ही हूँ, मैं हूँ और ये मेरी गाड़ी है ना, तो आज हम दोनों ही हैं सफ़र करने के लिए। तो हम अभी निकलते हैं गाइस और मिलते हैं आपसे आगे अच्छे व्यू के साथ। गाइस 20 किलोमीटर का सफ़र करके मैं थोड़ी देर रुका हुआ हूँ थोड़ा रेस्ट करने के लिए, पानी वानी पीने के लिए। और मैं सोच रहा हूँ अब हेलमेट पे लगा लूँ गाइस क्योंकि अब मुझे थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी गाड़ी की क्योंकि मौसम धीरे धीरे बिगड़ता जा रहा है, बिल्कुल काला होता जा रहा है मौसम, बारिश जैसे संकेत होते जा रहे हैं गाइस बिल्कुल। तो मैं अकेला भी हूँ तो थोड़ा मुझे चिंता भी हो रही है, तो इसलिए मैं हेलमेट लगा के और थोड़ा स्पीड बढ़ाता हूँ गाड़ी की यार, है ना। गाइस हेलमेट वगैरह लगा लेते हैं, उसके बाद निकलते हैं यहाँ से क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका हूँ गाइस मैं। तो गाइस चलते हैं, निकलते हैं गाइस हेलमेट वगैरह लगा के तैयार। तो गाइस आप भी अगर कहीं सफ़र करते हैं तो ऐसे हेलमेट वगैरह लगा के कंप्लीट कांच वगैरह नीचे करके ये क्लिप लगा के उसके बाद ही ड्राइव करें गाइस बिल्कुल। अब मैं आपसे मिलूंगा अगले स्टॉप के साथ, मैं निकलता हूँ गाइस क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा है। जब तक के लिए बाय बाय। गाइस आपको एक बार बताऊं, मुझे ना अभी पता पड़ा है कि मेरी गाड़ी का जो स्पीड काटा है ना वो ख़राब हो रहा है। देखो मतलब गाड़ी कितने पे चल रही है और इसके किस स्पीड का काटा 0 पे आ रहा है बिल्कुल, है ना। तो मुझे तो ये अभी मैंने नीचे देखा ना भाई गाड़ी कितने पे चल रही है, जब तक मुझे पता पड़ा है कि स्पीड काटा ख़राब हो रहा है गाइस। मतलब गाड़ी की सर्विस बहुत तगड़ी वाली सर्विस आ रही है गाड़ी की, लेकिन सर्विस करा नहीं रहा गाइस गाड़ी की। अब जब गाड़ी ख़राब होएगी ना जब जाएगी मैं सर्विस कराऊंगा गाड़ी, मेरा सोच रखा है। गाइस मैंने इस गाड़ी की सर्विस कराई थी 22,000 रुपये और अभी गाड़ी चल रही है मेरी 27,000 क्रोस। तो आप देख सकते हैं मेरी गाड़ी कितनी चल चुकी है, उसके बाद में सर्विस निकल रहा गाड़ी की। कल परसों कॉल आया था होंडा वालों का कि भैया आपकी गाड़ी की सर्विस आ चुकी है लेकिन आप सर्विस नहीं करा रहे। तो मैंने उनसे बोला कि कराएंगे, टाइम लगेगा, अभी पैसा नहीं है। जो हमारे सब्सक्राइबर है, जो हमारी यूट्यूब फैमिली है, वो बिल्कुल भी हमें प्यार नहीं दे रही गाड़ी। तो हमने सोचा कि बस सर्विस नहीं कराएंगे, और आप चाहते हो मेरी गाड़ी सही हो, सर्विस हो उसकी, तो आप प्यार दिखाओ भाई ज़्यादा से ज़्यादा प्लीज़ यार।
गाय देखो गांव के लोगों की लाइफ कितनी स्ट्रगल होती है, कितनी परेशानी वाली होती है, कितनी देखने वाली होती है गाय। देखो इन्हें गर्मी में देखो ये बकरे चला रहे हैं गाय, कितनी बकरी कितनी तेज गर्मी पड़ रही है ना। गाइस इसलिए यही है कि लोग बहुत कितनी मेहनत कर रहे हैं यार इतने गर्मी में भी, तो देखो सबकी लाइफ में बहुत कुछ परेशानियां हैं और इन लोगों की प्रॉब्लम देख के मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे पास कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मैं तो काफ़ी सही सही खेल रहा हूँ अभी तो मेरी ज़िंदगी में। गाइस गला सूख रहा है गाइस यार पानी के बिना, होंठ बिल्कुल सूख चुके हैं मेरे, क्योंकि ना पीछे तो बारिश का मौसम था लेकिन आगे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता जा रहा हूँ मंजिल की तरफ जैसे जैसे धूप का सामना करना पड़ रहा है, बहुत तगड़ी धूप है इधर तो गाइस, और मेरा गला सूख रहा है। मैं सोच रहा हूँ गाड़ी छाया मैं रोक के थोड़ा पानी पी लेता हूँ यार, ये गला कुछ ज़्यादा सूख रहा है, आपको दिखे रहा होगा मेरा होंठ, देखो गाइस सूख रहा है ना होंठ गाइस। गाइस कितना प्यारा व्यू है यहाँ का, कितना प्यारा सीन है, नदी भरी हुई है, तालाब भरा हुआ है मतलब, और देखो क्या प्यारा मौसम हो रहा है गाइस। तो चलते हैं गाइस, करते हैं वापस से अपना सफर कंटिन्यू। जिस रास्ते से मैं गांव जाता हूँ उस रास्ते के बीच में यहाँ पे एक अच्छा सा कॉलेज बन रहा है, बड़ा सा कॉलेज, पता नहीं है काय का है लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ। देखो गाइस आपको पता हो किसका है कॉलेज तो आप बताना एक बार। मैं सोच रहा हूँ गाइस आपको एक बार रुक के दिखा देता हूँ कॉलेज के नक्शा कैसा नक्शा है, तो एक बार अपन गाड़ी रोक ही रहते हैं और पानी पी लेंगे गाइस। तो देखो गाइस कितना अच्छा नक्शा है कॉलेज का, यूनिवर्सिटी टाइप का लग रहा है गाइस, देखो है ना बहुत बड़ा कॉलेज है गाइस, ये पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है एग्रीकल्चर का कॉलेज है, फिर अगर आपको जो लगे आप बताना एक बार। देखो यार कितना प्यारा है, कितना बड़ा कॉलेज है भाई, है ना, और देखो यार ये बहुत मेहनती लोग है गाइस, ये लोग पता नहीं क्यों गधा बोलते हैं लेकिन बहुत मेहनती है गाइस, देखो यार है ना। और ये मुख्य गेट है कॉलेज का जिसपे काम है, अभी तो काम चल रहा है गाइस इसका, लेकिन सच में यार बहुत बड़ा कॉलेज है भाई, बहुत बड़ा है यार ये, और सुंदर ये बहुत है यार, देखो है ना। गाइस अभी तो हमारे साथ हो चुके एक पिक्चर सेट, क्योंकि यहाँ पे ना रोड पूरा खुदा हुआ है, मतलब निकलने का रास्ता भी नहीं है। देखो एक बार मैं दिखा देता हूँ आपको यार, देखो ये पूरा नाली वाला खुदा हुआ है रास्ता, ये देखो पूरा रास्ता खुदा हुआ है। तो अब यहाँ से हम वापस से गाड़ी घुमाएंगे और यहाँ से 2-3 किलोमीटर दूर वापस एक कट आएगा, वहाँ से हम निकलेंगे, फिर पिक्चर हो गए गाइस यार बुरी वाली। गाइस अभी मैं पहुँच चुका हूँ राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री लाखेरी के अंदर एंट्री हो चुका हूँ गाइस में, और अभी मुझे कम से कम 50-60 किलोमीटर का सफ़र और तय करना है गाइस, और यहाँ का मौसम काफ़ी प्यारा हो रहा है गाइस, ना गर्मी ना ठंड, एकदम अच्छा हो रहा है। सबसे अच्छी बात यहाँ पे यह है गाइस कि अभी पूरी रोड पर ना नीम ही नीम लगी हुई है, इससे काफ़ी अच्छी बात होती है कि पर्यावरण के लिए काफ़ी अच्छा है गाइस, ज़्यादा ज़्यादा आप भी पौधे लगाओ। राजस्थान की प्रथम सीमेंट फैक्ट्री जो मैंने आपको दिखाई जो लाखेरी में गाइस सबसे। तो
गाइस अब मुझे करना है कम से कम 10 किलोमीटर तक ऑफ राइडिंग। बिल्कुल कच्चा रोड है यार, खड्डे खड्डे में दिखाता हूँ गाड़ी की हालत कैसी हो रही है। अभी तो आधे रोड भी पार नहीं हुई। उसके पहले देखो आप गाड़ी की हालत। देख रहे हो गाइस, सकते हैं गाइस ये बिल्कुल खराब रास्ता हो रहा है। उस खराब रास्ते के ऊपर चल रही है हमारी एक्टिवा 5G, बिल्कुल दमदार। चढ़ने के लिए हम चढ़ रहे हैं, आपको दिखाता हूँ मैं। देखो गाइस क्या सीन है गाइस, एक नंबर। देखो गाइस क्या मस्त सीन है गाइस। इसी के साथ आज की मजदूरी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए।